हेलो लर्नर्स, आज हम 10th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर करेंगे। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। इंडिया एक एग्रीकल्चर तौर पे देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री है, यानी कि यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत की जाती है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। हमारी पॉपुलेशन का 2/3 जो पार्ट है वो एंगेज है, यानी कि वो खेती करता है। खेती की जो एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, वो करती हैं। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। ये एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ है जिससे हम फूड जो हम ले कंज्यूम करते हैं वो हमें एग्रीकल्चर से ही मिलता है। इसके बिना, फूड के बिना, ये एग्रीकल्चर एक रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को। क्या आप बता सकते हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ के नेम जो एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल के ऊपर बेस्ड हैं? तो ये देखो, जैसे कि कॉटन हो गया। ये कॉटन है ना, कॉटन तभी कपड़ा बनेगा अगर कॉटन मिलेगी, है ना। तो मैं इसकी एग्जांपल दे देती हूँ आपको, है ना। अगर कॉटन होगा तभी कपड़ा बनेगा, तो इसीलिए ये जो कॉटन है ये कहाँ पे है? एग्रीकल्चर कल्चरल एक्टिविटी, यानी कि क्रॉप है जो उगाई जाती है। और ये इंडस्ट्री जो कपड़े वाली, क्लोथ्स वाली फैक्ट्री है, टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्रीज है, वो इस पे ही डिपेंड करती हैं। मोर ओवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। तो हमारे एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ये सभी प्रोडक्ट्स हमारी इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। टाइप्स की क्या क्या फार्मिंग है? एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आर कंट्री। तो पुराने समय से ही हमारे इंडिया में ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी रही है एग्रीकल्चर। बहुत ओवर दीज ईयर कल्टिवेशन मैथड हैव अ चेंज सिग्निफिकेंटली, डिपेंड अपॉन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशो कल्चर प्रैक्टिस। तो समय समय के साथ कल्टिवेशन के जो मैथड है उसमें चेंजेस आए हैं। क्यों क्यों चेंजेस आए हैं? ये चेंजेस इसीलिए आए हैं, करेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड हैं ये जो चेंजेस आए हैं। क्या फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता चल गया, सोशो इकोनॉमिकल प्रैक्टिस के, इन सभी ये फैक्टर्स बोल सकती हैं जिससे हमारे ये कल्टिवेशन मेथड में चेंजेस आए हैं। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम अ सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। तो ये देखो, एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। सब्सिस्टेंस जैसे कि गुजारे के लिए, सिर्फ अपने घर के, अपने परिवार के लिए ही खेती करना। और एक होता है कमर्शियल टाइप, जिसको पैसा कमाने के लिए, यानी कि औरों को भी बेचा जाएगा, कमर्शियल टाइप, इस तरह की फार्मिंग होती है। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रेजेंट प्रैक्टिस्ड। हम अब हमारे एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में बहुत से डिफरेंट डिफरेंट हम बोल सकते हैं सिस्टम फॉलो किए जा रहे हैं फार्मिंग के लिए। सबसे फर्स्ट है प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, देन है, ये अलग अलग है, पहले हम, चलो यही, इसको ही डिस्कस कर लेती हैं। प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये फार्मिंग में क्या होता है? इस टाइप ऑफ फार्मिंग में जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत छोटे से फ्यू पॉकेट ऑफ इंडिया में, यानी कि बहुत कम इलाकों में अभी भी इंडिया में की जाती है। प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है, स्मॉल पैचेज होते हैं लैंड के, वहाँ पे जो प्राइमेटिव होते हैं, टूल्स होते हैं, जैसे कि हो गया, डाव हो गया, डिगिंग स्टिक्स होगी, जो इनके साथ, इन टूल्स का यूज़ करके फैमिली और कम्युनिटी लेबर ही, यानी कि ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि छोटे पैमाने पे की जाती है, जो स्मॉल स्केल पे की जाती है, तो ये बस फैमिली मेंबर्स ही इसके ऊपर लेबर करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून। ये इस तरह की जो फार्मिंग होती है वो मानसून पे, यानी कि बारिश के ऊपर, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, नेचुरल फर्टिलिटी सोइल के ऊपर, और जो सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। इट इज़ अ स्लैश बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश बर्न एग्रीकल्चर को आप ऐसे समझो, स्लैश बर्न एग्रीकल्चर हमने पढ़ा था ना प्रीवियस क्लासेस में, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम, के शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर सेम सेम है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में भी क्या होता है, एक पीस ऑफ लैंड पर जब आप बार बार उस पर खेती करते रहोगे तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन होती रहेगी। तो इससे क्या होता है, तो वो जो फर्टिलिटी अब कम होगी तो उसमें प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या
करता है फार्मर, तो जो आगे वो है जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं उसको स्लैश बर्न कर दिया जाता है, फिर वहाँ पे खेती की जाती है। फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड ए प्रोड्यूस सीरियल एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। तो अब क्या वो फार्मर है वो पैच को, लैंड के पैच को साफ करता है और वहाँ पे जो सीरियल्स है, अनाज, जो दालें वगैरह होती हैं, फूड क्रॉप्स होती हैं, वो अपनी फैमिली के गुजारे के लिए वहाँ पे उगाता है। व्हेन द सोइल फर्टिलिटी डिक्रीज, हम मैंने बताया जब सोइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो फार्मर शिफ्ट जाता है और वो क्लियर करता है दोबारा से, फिर जो फ्रेश पैच होती हैं लैंड के कल्टीवेशन के लिए। दिस टाइप ऑफ अ फार्म शिफ्टिंग फार्मिंग नेचर टू रेप्लिश द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल, जो फर्टिलिटी होती है सोयल की थ्रू नेचुरल प्रोसेस। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर। तो इस टाइप की जो वो खेती करते हैं इसमें जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इतनी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते, करते। इट इज़ नोन बाई अ डिफरेंट नेम्स इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अलग अलग हमारे कंट्री के पार्ट्स में अलग अलग नेम से इस फार्मिंग को जाना जाता है। कैन यू नेम सम सच टाइप ऑफ अ फार्मिंग? क्या इस आप बता सकते हो? जैसे कि इट इज़ अ जूमिंग, जूमिंग बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पामलाव इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ये अलग अलग नेम है जिसको हम स्लैश एंड बर्न बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो जूमिंग बहुत अच्छे से समझना है। जूमिंग द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज अ मिल्पा। मैक्सिमको में इसको मिल्पा बोला जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को जुम्बिंग भी बोला जाता है। सेंट्रल अमेरिका में कोनोको, कोनोको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील, मासोले इन सेंट्रल अफ्रीका, लद्दाख इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। तो ये इतने आप एक दो याद कर सकते हो अच्छे आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है? तो जैसे इजी से मैक्सिको में मिल्पा, और सेंट्रल, और सेंट्रल ये देखो, और देखो उसमें सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा बोला जाता है स्लैश एंड बर्न उसको, इस एग्रीकल्चर को। इन इंडिया दिस प्राइमेटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड द बेवार और दाहिया। इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में इसको बेवार और दाहिया बोला जाता है। पुडू और अपेंडा आंध्र प्रदेश में, आगे पामा धाबी और अ कोमन और अ बिरंगा इन ओडिशा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट, वेल्लोर और वाल्टर इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खेल इन हिमालयन बेल्ट, कुरुवा इन झारखंड एंड जुम्मिंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो रीजन है वहाँ पे जुम्मिंग बोला जाता है। ये देखो, देखो ऐसे आग लगा दी जाती है ना, जहाँ पे ये देखो ऐसे ऐसे होती है जुम्मिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। बहुत नेम है, क्या नेम बताऊँ मैं इसको, है ना, अलग अलग नेम है। रिंजा लिव्ड विद हर फैमिली इन अ स्मॉल विलेज एट द आउटस्कर्ट ऑफ अ दिम्फू इन असम। असम में एक किसान रहता है रिंजा नाम का, अपनी फैमिली के साथ छोटे से विलेज में। रिंजा लड़की है, रिंजा, ओके। शी एंजॉयड वॉचिंग हर फैमिली मेम्बर्स क्लियरिंग, स्लैशिंग एंड बर्निंग अ पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो वो देखती है कि उसकी फैमिली मेम्बर कैसे क्लियरिंग करते हैं, स्लैशिंग करते हैं और बर्निंग किया जाता है लैंड को। शी ऑफन हेल्प दैम इन इरीगेशन इन द फील्ड विद द वाटर रनिंग थ्रू द बैम्बूज कैनल्स कैनाल फ्रॉम द नियर बाय स्प्रिंग। जो नियर बाय जो स्प्रिंग है, झरना है, वहाँ से वो क्या करते हैं, वो कैनाल के थ्रू जो बैम्बू के जरिए वो इरीगेशन में भी हेल्प करती है। शी लव्स द सराउंडिंग एंड वॉन्ट्स टू स्टे हियर एज लॉन्ग एज शी कैन। तो उसको ये सराउंडिंग आस पास बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत समय यहाँ पर बिताना चाहती है। बट दिस लिटिल गर्ल हैज़ नो आइडिया अबाउट द डिक्लाइन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मगर ये छोटी सी बच्ची को नहीं पता कि ये जो इसकी जो
लैंड है, सॉयल है, उसकी फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है एंड हर फैमिली सर्च फॉर फ्रेश अ पैच फॉर लैंड इन द नेक्स्ट सीजन. तो उसको नहीं पता कि उसकी जो फैमिली है उसको नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सीजन और पैच ऑफ लैंड चाहिए कल्टिवेशन के लिए. कैन यू नेम इन द टाइप ऑफ द फार्मिंग रिंचाज फार्मिंग इज एंगेज्ड इन. कैन यू एनलिस्ट सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन सच फार्मिंग. तो कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, क्या क्या क्रॉप्स उगाई जाती हैं, किस ये रिंचा किस, ये वही स्लैश एंड उसकी बात हो रही है जिसकी हम ऊपर बात करके जूमिंग कल्टिवेशन की. ओके आगे हमने जुम स्लैश एंड बर्न इसको प्राइमेटी सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ा था ना. हम कौन कौन सी आगे आ जाती है इसको ये सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग बोल सकते हो. ये है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड. ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वहाँ पे की जाती है जहाँ पे लोगों पॉपुलेशन ज़्यादा है और ज़मीन कम है. इट्स लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ अ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन. ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लैंड तो छोटी होती है, यहाँ पे क्या फार्मर क्या करते हैं वो बायोकेमिकल इनपुट्स यूज करती हैं. ओके यानी कि फर्टिलाइजर वगैरह, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, ये सब कुछ बायोकेमिकल इनपुट यूज करते हैं ताकि जो हाई प्रोडक्शन की जा सके, क्योंकि भाई लोग हैं, खाना तो चाहिए सबको इसीलिए. कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड. तो अब कौन कौन से ये स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है. दो द राइट ऑफ द इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग अ सक्सेसिव जनरेशन हैज़ अ रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अन इकोनॉमिकली. द फार्मर कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिट लैंड इन द एब्सेंस ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लिवलीहुड. तो भाई ये वो अल्टरनेटिव यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए वो फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड यूज़ करती हैं. द एब्सेंस ऑफ अ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लिवलीहुड क्योंकि यही उनके गुजारे का साधन है एग्रीकल्चर. थस देर इज़ अ इनॉर्मस प्रेशर इन द एग्रीकल्चर लैंड. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इस तरह की एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर. तो क्यों कहाँ पे उगाई जाती है, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है. ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, नॉर्दर्न प्लेन्स में, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स में जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ये खेती की जाती है. कौन सी, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. तो हमने थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग है. तीन ये दो के बारे में हमने पढ़ लिया ना, प्राइमेटिव पढ़ी थी, फिर उसके बाद ये हम पढ़ के हटे हैं और अब ये है कमर्शियल फार्मिंग. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ अ फार्मिंग इज यूज ऑफ अ हाई डोजेज ऑफ अ मॉडर्न इनपुट. तो यहाँ पे मॉडर्न यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स यूज़ किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये यूज़ किए जाते हैं हाई प्रोडक्टिविटी के लिए. द डिग्री ऑफ द कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. तो कमर्शलाइज की आपको ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग देखने को मिलेगी. और पीछे वाले भी वहाँ पे भी होते हैं ये केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं, लैंड स्मॉल होती है. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सीड्स भी अच्छे यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप. जैसे कि ये कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा एंड पंजाब में, बट इन उड़ीसा इट इज़ अ सब्सिस्टेंस क्रॉप. मगर उड़ीसा में ये एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है. ओके हरियाणा और पंजाब में राइस एक कमर्शियल क्रॉप है, यानी कि ज़्यादा बड़े पैमाने पे उगाते हैं और क्या उससे क्या होता है, फिर पैसा कमाया जाता है. कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ द क्रॉप विच मे बी कमर्शियल इन वन रीजन एंड मे प्रोवाइड अ सब्सिस्टेंस इन अनदर रीजन. क्या ऐसे ही एग्जाम्पल और दे सकते हो कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में उसको बहुत बड़े पैमाने पे और किसी पर्टिकुलर एक स्टेट में बहुत कम उगाई जाती है. प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. प्लांटेशन है वो भी एक कमर्शियल फार्मिंग में भी आ जाता है. इन दिस टाइप ऑफ अ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन. तो इस फार्मिंग में होता क्या है, एक ही सिंगल टाइप ऑफ फार्मिंग की जाती है, एक तरह की फसल ग्रो की जाती है बड़े एरिया पे. द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. तो इंटरफेरेंस होती है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की. प्लांटेशन कवर्ड लार्ज ट्रैक्स ऑफ लैंड. बहुत बड़े लैंड पे खेती की जाती है, प्लांटेशन की जाती है,
कैपिटल इंटेंसिव इनपुट, बहुत से पैसा लगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ माइग्रेंट लेबरर्स। माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं जैसे कि आप पंजाब में भी देख सकते हो, ये यूपी बिहार से आते हैं और वो यहाँ पे एज अ लेबरर वर्क करते हैं। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज अ रॉ मटेरियल इन अ रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में ये एक एज अ रॉ मटेरियल में भी यूज किए जाते हैं। इंडिया में टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एट्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। ये सभी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। टी है असम में, असम और नॉर्थ बंगाल, एंड नॉर्थ बंगाल में कॉफ़ी, ये कॉफ़ी कर्नाटका में ये इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है जो इन स्टेट्स में उगाई जाती है। असम और वेस्ट बंगाल में टी है और कर्नाटका में कॉफ़ी है। ओके, सिंस द प्रोडक्शन इज अ मेनली फॉर मार्केट, ये जो प्रोडक्शन होती है ये मार्केट में बेचने के लिए होती है। अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कंसर्निंग द प्लांटेशन एरिया प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड ये देखिए इसमें होता क्या है। तो बड़े अब भाई तरक्की हो गई है, टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन अच्छी कनेक्टिविटी है जिससे इंडस्ट्रीज और मार्केट्स में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, यानी कि अच्छा कनेक्शन है अब इनमें। ठीक है, तो ये इंडिया प्लांटेशन के डेवलपमेंट में ये जो दोनों हम बोल सकते हैं, एक ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा इन्होंने रोल प्ले किया है इसमें। तो ये देख सकते हो, ये बनाना प्लांटेशन इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये बनाना है। और व्हाट इज दिस, ये बैम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट, ये बैम्बू प्लांटेशन है। ओके, यस, नेक्स्ट करते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न, यू हैव स्टडी द फिजिकल डाइवर्सिटी एंड अ प्लूरेलिटी ऑफ कल्टीवेशन इन इंडिया। तो क्रॉपिंग पैटर्न, तो अब पहले तो हमने टाइप ऑफ फार्मिंग पढ़ी थी, अब ध्यान से देखिए आगे हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। यू हैव स्टडी द फिजिकल डाइवर्जन एंड अ plurality of cultivation in India. These are also reflect in a agriculture practices and a cropping pattern in our country. हमारे इंडिया में एक क्रॉपिंग पैटर्न भी अपनाया गया है, ठीक है, एग्रीकल्चर में। वेरियस टाइप ऑफ फूड्स एंड फाइबर क्रॉप्स, हम फूड क्रॉप्स भी, फाइबर क्रॉप्स भी, वेजिटेबल भी, फ्रूट, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, ये सभी हम एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हमारे इंडिया में उगाई जाती हैं। इंडिया हैज़ अ थ्री क्रॉपिंग सीजन, हमारे इंडिया में थ्री क्रॉपिंग सीजन है। कौन कौन से, एक है राबी, खरीफ एंड ज़ैद। ओके, राबी क्रॉप्स में क्या होता है, राबी क्रॉप्स आर सोन इन अ विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो ये जो राबी ये क्रॉप्स होते हैं अक्टूबर और दिसंबर के समय में इनको सो किया जाता है, बीज लगाए जाते हैं और हार्वेस्ट किया जाता है समर में, अप्रैल टू जून के महीने में। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर वीट, जैसे कि रबी क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, वीट है, बार्ले है, पीज है, ग्राम है, मस्टर्ड है। थ्रू दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पे ये इस रबी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। स्टेट्स में नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, ये इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन है वीट के एंड अदर रबी क्रॉप्स। ओके, वीट के इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर हैं और ये और भी रबी क्रॉप्स प्रोड्यूस करती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ अ परसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर, परसिपिटेशन तो समझते हो बारिश, ड्यूरिंग अ विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ दिस क्रॉप। तो जब विंटर में बारिश होती है वो, और ये बारिश के कारण इस इन क्रॉप्स को सक्सेस मिलती है, यानी कि अच्छी होती हैं। हाउएवर द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ द राजस्थान has also been an important factor in the growth of the above mentioned rabi crops. So rabi crops ko aisa zyada production hone ka karan bhi ye hai ki green, ye dekho green revolution bahut bade paimane mein chalayi gayi thi. Green revolution aise hota kya hai pata hai aapko, jab high yield, ye new technology use ki gayi thi, ye high yield HYV, ये सीड्स यूज़ किए गए थे, ठीक है, ये जिससे क्या हुआ था, पंजाब हो गया, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुई थी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सीजन वी कैन से।
खरीफ, आगे खारीफ क्रॉप्स, खारीफ क्रॉप्स आर अ ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये मॉनसून पे डिपेंड करती है, तो ठीक है. ऑन दीज आर हार्वेस्ट इन सेप्टेम्बर अक्टूबर, सेप्टेम्बर अक्टूबर में इनको हार्वेस्ट किया जाता है. इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो इस सीजन में उगाई जाती हैं वो पैडी, जैसे चावल, ठीक है, मेज, जवार, बाजरा, तुर, अरहर बोलते हैं जिसको, मूंग, उर्द, और कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये सब कुछ उगाई जाती हैं. सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन आर असम. तो राइस ग्रोइंग इम्पॉर्टेंट जो एरिया है वो है असम है, वेस्ट बंगाल है, कोस्टल एरिया ऑफ ओडिशा है, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र हैं. पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट ऑल्सो विद द वेस्ट, उत्तर प्रदेश एंड बिहार. रिसेंटली पैडी हैज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. पंजाब एंड हरियाणा की भी ये एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप बन गई है. इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, थ्री क्रॉप्स ऑफ अ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर. तो ये देखो, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में एक साल में तीन फसलें उगाई जाती है, थ्री क्रॉप पैडी की ही. ओके, दीज आर ओस, आमन एंड बोरो, ठीक है. ये इसकी भी अलग अलग हम बोल सकते हैं किस्म है ना, उस एक अनुस, अमन, बोरो. ओके, इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स, मंथ्स नोन एज अ ज़ैद सीजन. तो ये देखो, जब ये रबी और खरीफ सीजन होता है, इसके बीच में एक छोटा सा एक और सीजन बोला जाता है, इसको ज़ैद सीजन बोला जाता है. सम ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग ज़ैद, तो कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं इस ज़ैद में, तो यहाँ पे होती हैं वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकम्बर, वेजिटेबल एंड फोडर क्रॉप. शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट इन अ ईयर टू ग्रो. ओके, तो ये हैं. आगे मेजर क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे. मेजर क्रॉप्स के बारे में आगे वाली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है. ओके, मेजर क्रॉप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.